बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आप सबको शामिल फूड किचन में वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए शवरमा सॉस की रेसिपी लेके आई, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। शवरमा सॉस के साथ शवरमा बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही क्रीमी सा टेक्स्चर होता है। चलिए देखते हैं शवरमा सॉस बनाने के लिए हमें किन किन इन्ग्रीडियंट की ज़रूरत है। शवरमा वाइट सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1/2 कप मेयोनेज़ लिया है, 1/4 कप दही, 2 टेबल स्पून विनीगर, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून यहाँ पे सफ़ेद तिल लिए हैं, 1 टीस्पून ऑरिगेनो लीफ है, ये ऑप्शनल है, 1/4 टीस्पून नमक है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 6 से 7 लहसुन के जवे हैं। सबसे पहले ब्लेंडर के जग में मेयोनीज़ ऐड कर देंगे, दही, तिल, ऑरिगेनो लीफ, नमक, ब्लैक पेपर, लहसुन के जवे, विनीगर, ऑयल ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। शवरमा वाइट सॉस बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर है इसका। आप शवरमा वाइट सॉस को एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में 2 हफ्ते तक सेव भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जल्द ही शवरमा की रेसिपी भी दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कैसे लगी, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।